यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अमृत और आप देख रहे हो अमृत वाणी वर्ल्ड। सो गाइस, आज करवा चौथ है तो मम्मी अब आटे का दिया बना रही है जो पूजा में यूज़ होता है, तो देखते हैं कैसा बना रही है। ये देखिए, मम्मी ने आटे का दिया बनाया है छोटा सा, इसके थोड़ा सा बढ़िया। मम्मी इसे डिज़ाइन वाला करो। नहीं, ये सादा ही होता है। अच्छा, और ये देखिए, ये मम्मी की पूरी थाली है। और मम्मी अब इसमें बिल्कुल इसे डेकोरेट करेंगी अच्छे से, इसमें जो सामान रखते हैं वो रखेंगी। ये उसके भी बना रहे हैं क्या लगाया अपने, रेड रेड हैंड सिंदूर। तो हटाओ मम्मा। ये देखिए, सिंदूर लग चुका है। ये देखिए गाइस, ये है फाइनल थाली जो मम्मी ने बढ़िया से सामान रखा है और डेकोरेट किया है। अब इसके ऊपर ये क्लॉथ डालेंगे हम। सो गाइस, अब मम्मी को तैयार करने के लिए एक दीदी आई हैं, तो आइए मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। ये देखिए, ये हैं वो दीदी और ये सामान लाई हैं वो। सामान इतने पैक You just always been a tighter asset. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip. So guys, आज करवा चौथ के दिन मम्मा एक जगह पे जाती हैं पूजा करने, तो अब मैं भी मम्मी के साथ जा रहा हूँ और मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। तो अब मैं रेडी भी हो चुका हूँ और मम्मी अभी तक रेडी नहीं हुई है, इतना टाइम लग गया है। तो देखते हैं कितनी देर में मम्मी रेडी होती हैं, फिर हम जाएंगे। One eternity later. तो गाइस, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ आती हैं, अब यहाँ पे सब मिलके पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। ये देखिए, यही हमारे साथ में आई है और इसका फ़ोन भी साथ में आया है। फ़ोन की कितनी बड़ी वाली चिपकू है जी, आप इससे पता लगा सकते हैं। हाथों में पूजा की थाली, आज मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि पापा ने मम्मी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है, और पर उसमें कुछ खाते नहीं है, तो पापा फिर भी सुबह से 4 कप चाय और 5-6 खस्ता कचौड़ी खा चुके हैं। अब पापा से हम पूछेंगे कि ये कौन सा व्रत है जिसमें पापा खा भी रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं। पापा बाहर ही बैठे हैं, तो अब पापा के पास चलते हैं पूछने। पापू, आज आपने व्रत रखा और आप खा भी रहे हो, ये कैसा व्रत है ये बताना जरा। ये मेरा स्नैक्स का व्रत है, मतलब खाने पीने का व्रत है। स्नैक्स तो मैं खा सकता हूँ, खाना मम्मी के साथ खाऊंगा। कुछ अलग टाइप का व्रत है ये, जिसमें पापा स्नैक्स खा सकते हैं पर खाना मम्मी के साथ खाएंगे। तो देखते हैं कितनी देर में चांद निकलता है। सो गाइस, आखिरकार अब चांद निकल आ चुका है। ये देखिए, सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मेरे साथ अभी इस टाइम पे दो गलत बातें हो गई। एक तो मुझे आपको दिखाना था कि जब छन्नी से मम्मी पापा को देखती हैं और मून को देखती हैं, वो मम्मी ने मुझे बनाने नहीं दी। मम्मी कह रही मुझे शर्म आ रही है। और एक और बात हुई, वो थी कि इंडिया मैच हार गई तो मैंने ये पटाखे रखे थे कि मैं पटाखे बजाऊँगा।
पटाखे भी नहीं बच पाए। सो अब तो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है कि कुछ नहीं हुआ, ना इंडिया मैच जीत पाई और ना ही ये पटाखे बच पाए और ना ही मैं आपको वो दिखा पाया। सो मैं अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल वाले बटन को ऑल पे सेट कर लीजिए। सो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बूम।